अच्छा दो तीन सवाल और जो बार बार पूछे जाते हैं, एक मिनट उनका भी उत्तर दे दीजिए सुप्रिया जी। पहले तो ये कहा जाता है कि अगर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो भी गया था, एजेएल के पास इतनी संपत्ति है, आपने खुद ही बता दिया अभी 239 करोड़ की, उसे बेचकर वो कांग्रेस पार्टी का ऋण चुका सकती थी, पहली बात ये पूछी जाती, वो क्यों नहीं किया गया। दूसरा फिर ये कहा गया कि भाई कंपनी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, अगर आपने लोन दिया था तो लोन माफ कर देती कांग्रेस पार्टी, जो अंत में आपने किया ही। 90 करोड़ रुपए तो कांग्रेस पार्टी को वापस नहीं मिले ना यंग इंडिया से, केवल 50 लाख रुपए मिले, तो वो यंग इंडिया के थ्रू लोन माफ करना या सीधे आप एजीएल का ऋण माफ कर देते। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो भी नरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि उस कंपनी में भी 38% की हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की ही क्यों, क्यों उन्हीं को मेजोरिटी शेयर होल्डर बनाया गया? आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें कहनी जरूरी है, आपने अच्छे सवाल पूछे। दिक्कत की बात यह है, लॉ पर लपेटो तो पार्लियामेंट की अटेंडेंस पे पहुंच जाएंगे, अरे लॉ पर ही रहिए ना, अभी लॉ पर लिपटिए। ये जो बेल की बात करते हैं, ये प्राइवेट कंप्लेन थी सुब्रमण्यम स्वामी की, जिस पर एंटिसिपेटरी बेल थी, और बेल की बात आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे तो गृह मंत्री बेल पर थे, तड़ी पार थे, बेल बेल क्या चिल्लाते रहते हैं आप लोग। ठीक है, जब लॉ अपना कोर्स लेगा, जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा, हम जाएंगे कोर्ट में, बिल्कुल। हाँ, प्राइवेट कंप्लेन पर बेल है, आपके ईडी पर कोई बेल नहीं है। पहली बात, आपका ईडी तो चार्जशीट तक नहीं डाल के पाया, 8 साल से झुंझुना बजा रहे हैं आप लोग इस केस पर, तो बरगलाने वाली बातें मत करिए। अब आपकी मैं बात पे आती हूं, सोनिया और राहुल गांधी जी क्यों। 4 शेयर होल्डर्स थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, द जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है, ऑस्कर फर्नांडिस, और ट्रेजरर मोतीलाल वोरा। किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पर 4 इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्यों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा। तीसरी बात जो आपने कहा कि क्यों कर सकते हैं, इसका विधि में नहीं, इसका फाइनेंस में आंसर है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यह है कि जब किसी भी कंपनी पर लाइबिलिटीज होती हैं तो उस कंपनी का रिवाइवल मुश्किल होता है, आपको लाइबिलिटीज को वेव ऑफ करना पड़ता है, आपको लाइबिलिटीज को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसीलिए कन्वर्ट करा गया इक्विटी में। मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, सरकार ने भूषण स्टील की लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया इक्विटी में, और तब टाटा स्टील ने टेक ओवर किया। दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, डेट कन्वर्जन इंटू इक्विटी। अब आपने पूछा कि बेचा क्यों नहीं गया, एग्जैक्टली जो मैंने पहला पॉइंट आपके शो पर बोला था, सेक्शन आर्टिकल 51A(b), We are trying to protect what we believe. ये स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख और सबसे प्रखर भारतीयों की आवाज था, भारतीयों का सिंबल था, इसको हम निस्तोनाबूत नहीं होने देंगे। आप कितने छापे डाल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। और दिक्कत की बात यह है ना सौरभ जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है इस पर, क्योंकि यह लड़ाई कोई ईडीवीडी की नहीं है, यह पॉलिटिकल लड़ाई है। दिक्कत की बात यह, सरकार ने संस्थाओं को तो पंगू बना दिया है, अब इनको लगता है अगर विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज के पीछे नहीं पड़ोगे तो चुप लोग नहीं होंगे। दिक्कत की बात क्या है, इनको सारी कमियां विपक्ष में नजर आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, यूपी एसपी बीएसपी के पीछे पड़े, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे पड़े, तमिलनाडु में पार्टी के ही 2 हटकर दिए, शिवसेना के पीछे पड़े। आप देखते जाइए ये क्या कर रहे हैं, इनको अपने घोटाले, चाहे वो दाल घोटाला हो, चाहे वो जीएसपीसी घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो एमपी में घोटाला हो व्यापम, चाहे वो मुद्रा पोर्ट पे आने वाले ड्रग्स का घोटाला हो, चाहे 20-20 करोड़ों में विधायक बिक रहे हो, वहां ईडी की नजर। अच्छा चले, वाइंड अप का समय आ गया, लेकिन फिर भी मैं इजाजत ले रहा हूँ, थोड़ा सा एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए, फिर नलिन जी फाइनल कमेंट देंगे। नलिन जी, अभी आप ही के एक सवाल का जवाब नहीं मिला, और वो सवाल मेरे पास भी था, वो डोटा, एक सेकंड, यंग इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपया जो कोलकाता से आया, ईडी उसकी जांच कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि उसका वो कंपनी जो है वो डोटेक्स कंपनी, वो ये हवाला वगैरह की डीलिंग में इन्वॉल्व्ड है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसी बातें विपक्ष के लिए ही कही जाती हैं, ये तो ईडी के खर्रे आते हैं ना, डायरेक्टर के कंपनी कहा जाता है, इसीलिए तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट होगा ना, ये खर्रे जो अब ऐसा है, मैं दो चीजें कहता हूं, अरे मैं कुछ कह दूं, झूठी खबरें, दो चीजें, अरे सौरभ जी आपने मुझे कमेंट के लिए कहा, मैं कह दूं, फिर मैं कह रहा हूं, देखिए सौरभ जी चलिए, अच्छा ठीक, डाउन कर दीजिए, ये देखिए ना मेरा फाइनल कमेंट को कैसे कर रही है, ओके इनका ऐसा ना, या तो फेडर डाउन कर दीजिए। सवाल ये था, यंग इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपया कोलकाता की कंपनी से क्यों लिया गया, आप इसका उत्तर दे सकती थी। बहरहाल चलिए, समय खत्म हो गया,
कोहली गालिब को फाइनल कमेंट है मेरा, तो मैं अपनी बात कह देता हूं, उनका फेनल डाउन कर दीजिए, है ना। आप ऐसा है, मैं पहली बात सुप्रिया जी, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं उनसे, आपसे बात होगी। एक मिनट, नहीं उसको डाउन कर दीजिए, वो जानबूझकर कह रहा है, मैं कह रहा हूं। हां बोलिए, मैं जानबूझकर कह रहा हूं, ये कह रही है क्योंकि ये नहीं चाहती मैं आगे बात रखूं। सुप्रिया जी प्लीज प्लीज, पहली बात कह रहा हूं, 38% सोनिया गांधी जी के पास, 38% राहुल गांधी जी के पास, 76% जो है पूरा जो है टोटल कंट्रोल कंपनी की राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स आपके पास। और फिर ये कहेंगे आपके अमित भाई शाह जो है बेल पे थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने फाइनली कह दिया किस प्रकार की गंदगी आपने की थी, क्योंकि राजनीतिक रूप से रोक नहीं सकते आप नरेंद्र मोदी जी को, अमित भाई शाह को, ठीक है सर, ये है। और उसके बाद अब आगे ही अब ये तोते की तरह बोलती रहेंगी, क्योंकि इनको पता है मुझे, मैं अपनी बात रखूंगा तो हो सकता है जनता मेरी बात से ज्यादा प्रभावित होगी। इनके पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, सिर्फ कहते हैं ठीक है सर, सवाल है, अच्छा सवाल है, जवाब तो अच्छे होने चाहिए ना, जनता तो जवाब। नलिन जी, नलिन जी बीच में रोक रहा हूं आपको, समय नहीं है बिल्कुल भी। सुप्रिया जी आपको भी बहुत धन्यवाद, नलिन जी, सुप्रिया जी। बहरहाल आज कई मुद्दों पर तो बात हुई, ये केस जो ऐसा, क्योंकि कानूनी मामला है तो इसकी बहुत पेचीदगियां हैं, लेकिन हमारे दोनों मेहमानों ने अपने अपने तर्क उस पर रखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।